वेलकम वंस अगेन। जब हम जीव जगत की बात करते हैं तो हम दो एंटिटीज की बात करते हैं, एक पादप वर्ग और एक जंतु वर्ग। तो अगर पादप वर्ग की बात की जाए तो हम पादप को परिभाषित कैसे करते हैं? पादप वो एंटिटीज हैं, वो ऑर्गेनिज्म्स हैं विच आर ग्रीन इन कलर एंड दे आर ऑटो फोटोट्रॉपिक, यानी वो स्वपोषित होते हैं। वे सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको विभिन्न ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में अपने में संचित करते हैं। तो इस प्रकार से जीव जगत के जो प्राणाधार है वो पादप वर्ग है। पर पादपों में ऐसी क्या विशिष्टता है जिसके कारण वो सौर ऊर्जा को हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित करने में सक्षम है? तो वह स्रोत या वह विशिष्ट लक्षण पादपों का वो है उसकी कोशिका में उपस्थित एक कोशिकांग जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो आज हम इसी हरित लवक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जब लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी, फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आ चुका था, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं थीं वे भी अपना जीवन यापन कर रही थी। तब किन्हीं परिस्थितियों में कोई एरोबिक प्रोकैरियोट, कोई फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट इस यूकैरियोटिक कोशिका द्वारा एनगल्फ कर लिया गया और उसने उसी यूकैरियोटिक कोशिका में ही जीवन यापन करना शुरू कर दिया। अर्थात कुछ कोशिकांग एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन के होते हैं, उनमें से दोनों हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्लोरोप्लास्ट हैं वे सभी ग्रीन प्लांट्स में और कुछ प्रोटिस्ट्स जैसे एल्गी में पाए जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जहां पर भी हरा रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है वहां पे क्लोरोप्लास्ट की बात आ जाती है, क्योंकि यह हरा रंग क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित विभिन्न वर्णकों के ही कारण होता है। तो इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति एंडोसिम्बायोसिस की प्रक्रिया के द्वारा करोड़ों खरबों वर्ष पूर्व हुई थी। आज तक किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक पादप कोशिका में कहना चाहिए, यह अपने इस एंडोसिम्बायोटिक नेचर को मेंटेन किए हुए हैं। उसका पहला प्रूफ है कि किसी भी कोशिका में इनकी उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग कोशिकांग के द्वारा ही होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट स्वयं में फिशन होता है, बाइनरी फिशन, जिसके कारण एक से दो क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं। किसी भी कोशिका में इनकी क्या संख्या होगी, इनका क्या आकार होगा, यह परिवर्तनशील है। शेप की जब बात करते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के प्लांट्स ग्रुप्स में विभिन्न प्रकार का है, जैसे स्पाइरोगायरा में स्पाइरल शेप्ड या जालिका व्रत रेटिकुलेट, पर्टिकुलरली इन द प्रोटिस्ट्स। बाकी हायर प्लांट्स में दे आर बेसिकली बाइकॉन्वेक्स या प्लेनोकॉन्वेक्स इन शेप। इनका जो संख्या है किसी पादप कोशिका में वो निर्भर करती है वह पादप कहाँ पाया जा रहा है पे।
दूसरी चीज कहाँ पाया जा रहा है? सिर्फ जैसे मतलब है कि यदि छाया में है तो उसको अधिक एनर्जी, सोलर एनर्जी ट्रैप करनी होगी, तो छाया में पाए जाने वाले पादपों में क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होगी। विद इन अ सेल दीज सेल ऑर्गेनिल्स दे ओरिएंट देमसेल्स पैरेलल टू द सेल वॉल, क्योंकि इनका कार्य है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। सो इनका एक मेजर पोर्शन शुड बी एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, जैसा कि इस कोशिका में भी दिखाया गया है कि सेल वॉल के पास में इनका जो अपना ओरिजिन, इनका ओरिएंटेशन है, ये जो पाए जा रहे हैं, दे आर पैरेलल टू द सेल वॉल। अब वास्तव में ये क्लोरोप्लास्ट हैं क्या? ऐसी इनमें क्या विशिष्ट संरचनाएं हैं? इनका क्या स्ट्रक्चर है जिसके कारण ये इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन करने में सक्षम है? वैसे एक चीज और बता दें यहाँ पे, जब इनके फंक्शन की ही बात हो रही है, तो ऑल्दो क्लोरोप्लास्ट का मेजर फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस, पर यह विभिन्न अन्य बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं जो इनकी इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, ये ऑर्गेनिल, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ऐसा माना गया है कि दोनों हमारे जो एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनिल्स हैं, उसकी जो आंतरिक भित्ति है, इनर मेम्ब्रेन है, दैट बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, और जो बाहर की भित्ति है, वो जब ये एनगल्फ हुआ था तो यूकैरियोटिक कोशिका ने इसके आर पार डेवलप कर दी। सो क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें बीच में स्ट्रोमा पाया जाता है, और उस स्ट्रोमा में विशिष्ट प्रकार की, जैसे स्टैकिंग ऑफ कॉइन्स के द्वारा जो एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे सिक्कों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, उस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है, जिसको हम कहते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन सिस्टम। और इस प्रकार के बहुत से ग्रैनम, इस प्रकार के स्टैकिंग ऑफ थाइलाकोइड्स को ग्रैनम कहते हैं, और इस प्रकार के बहुत से ग्रैनम स्ट्रोमा में उपस्थित होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से लैमिली द्वारा जुड़े रहते हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दे आर थ्री मेम्ब्रेन सिस्टम्स विद इन द क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन, देन इट्स द इनर मेम्ब्रेन, एंड द थर्ड इज द स्ट्रोमल, सॉरी, द थैलाकोइड मेम्ब्रेन सिस्टम। और इन तीनों मेम्ब्रेन सिस्टम्स के कारण इसमें तीन फंक्शनल कंपार्टमेंट्स का निर्माण हो जाता है। पहला, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में उपस्थित स्पेस, दूसरा स्ट्रोमा, और तीसरा ये थैलाकोइड। ये जो सिक्के जैसी संरचनाएं हैं, थैलाकोइड हैं, ये अंदर से खोखली हैं, तो इनकी ल्यूमन स्पेस इज द थर्ड कंपार्टमेंट दैट इज प्रेजेंट विद इन दिस इंपॉर्टेंट प्लांट सेल ऑर्गेनिल दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज परमिएबल टू स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसमें से सहजता से छोटे वाले जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका आवागमन संभव है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब एक चीज हम वापस से बात कर लें, वो है मेम्ब्रेन। जब हम किसी कोशिका की मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं उस लिपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर की, बाय लिपिड लेयर में, जहाँ विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। दे मे बी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स।
ये किसी भी मेम्ब्रेन की जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर बेसिकली डिक्टेटेड और गवर्न्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विद इन दिस लिपिड बाइलेयर। तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का कारण है कि उसमें विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, अर्थात विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो विशिष्ट प्रकार के मॉलिक्यूल्स को ही अपने थ्रू पास होने देते हैं और बाकी सबके पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। सो दिस रेगुलेट्स विच ऑल मॉलिक्यूल्स विल पास फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द स्ट्रोमा एंड फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द साइटोप्लाज्म। अपार्ट फ्रॉम दिस दैट इज रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, दिस इनर मेम्ब्रेन्स दे आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वेरियस फैटी एसिड्स, लिपिड्स, कैरोटीनॉइड्स। दे आर ऑल्सो सिंथेसाइज विद इन दिस क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, क्योंकि वापस से ये एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन के हैं, तो इनमें अपने प्रोटीन्स, अपने लिपिड्स बनाने की क्षमता होना स्वाभाविक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर बीच में जो स्पेस है, जो क्लोरोप्लास्ट ल्यूमेन है, उसमें एक प्रोटीन रिच एल्कलाइन फ्लूइड भरा होता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, इस स्पेस को। इस स्पेस में इस कोशिकांग द्वारा प्रयुक्त सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स और मशीनरी एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट। दिस इंक्लूड्स द थायलाकोइड सिस्टम, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि दे आर सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज। ये अपना कुछ कार्य स्वयं करने में सक्षम है और बाकी के लिए न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल पे निर्भर रहती हैं। फिर इनकी अपनी एक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ट्रांसलेशन की मशीनरी है, देव प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स में अपनी राइबोसोम, अपने आरएनए पॉलीमरेज, द राइबोसोमल आरएनएज, द ट्रांसफर आरएनएज, इस प्रकार के विभिन्न एंटिटीज होती हैं और विच टुगेदर फॉर्म द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। और इस कोशिकांग का कार्य है फोटोसिंथेसिस, अर्थात इट फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। सो दीज कार्बोहाइड्रेट्स दे आर स्टोर्ड या कन्वर्टेड टू स्टार्च। स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च। तो इसमें विभिन्न स्टार्च ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं विच आर सिंथेसाइज इन दिस इनर मेम्ब्रेन सिस्टम। और जो स्टार्च बन रहा है, यह स्टार्च बन रहा है या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है यूजिंग द सोलर एनर्जी, अर्थात इसमें कोई ऐसी क्षमता होनी चाहिए जिससे ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करके कन्वर्ट कर सके केमिकल एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस केमिकल बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। और द साइट वेयर दिस कैपेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्गेनिल एग्जिस्ट्स, इट इज द थायलाकोइड मेम्ब्रेन सिस्टम। इस कोशिकांग का जो हरा रंग है, जिसके कारण हमें पादप जगत हरा नजर आता है, वो इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स में उपस्थित विभिन्न वर्णकों के कारण है। विभिन्न वर्णकों में जो क्लोरोफिल वर्णक है, पिगमेंट्स हैं, दे प्रोवाइड द ग्रीन कलर, दे आर ग्रीन इन कलर। और उस क्लोरोफिल पिगमेंट सिस्टम के अलावा इसमें विभिन्न एसेसरी पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स मतलब जिनका कार्य एक तो इन जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं उनका फोटो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करना है,
अच्छा, जब अपन ने बात करी थी कि ये क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल्स कोशिका भित्ति के चारों तरफ, दे लाइ पैरेलल टू द सेल वॉल, वहीं पर एक बात और होती है कि जब बहुत तीव्र सनलाइट होती है तो दे मूव अवे फ्रॉम द सन दिस सेल वॉल, द रीजन बीइंग कि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं दे गेट ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब इनको प्रकाश की आवश्यकता भी है अपने बेसिक कार्य करने के लिए, और यह उस लाइट द्वारा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, इनके जो अणु हैं वो नष्ट भी हो रहे हैं। तो इनका एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके कारण यह सुरक्षित रह सकें वो है प्रेजेंस ऑफ एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक डिफरेंट कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन, जैंथोफिल्स। दे प्रिवेंट, मतलब ये एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस के लिए आगे प्रयुक्त करने को दे देते हैं क्लोरोफिल को, और इस प्रकार से ये क्लोरोफिल के अणुओं का फोटो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर लेते हैं। तो ये जो थाइलेकोइड्स हैं, ये सिक्के जैसी संरचनाएं हैं जो एक के ऊपर एक जमी रहती हैं, और इसके एक के ऊपर एक जमे रहने के कारण जिस संरचना का निर्माण होता है उसको हम कह रहे हैं ग्रैना। ये ग्रैना एक दूसरे से इंटरग्रैनल लैमेली द्वारा जुड़े रहते हैं। इनकी जो ये मेम्ब्रेन्स हैं थाइलाकोइड की, इसको हम कहते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन्स, और यह वो साइट है जहाँ पर लाइट एनर्जी बनती है, जहाँ पे हमारे प्रकाश संश्लेषण का जो फर्स्ट स्टेप है लाइट रिएक्शन वो हो पाता है। सो दीज फ्रेट मेम्ब्रेन्स दे कंटेन द वेरियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, द वेरियस पिगमेंट सिस्टम्स, जिनके कारण न सिर्फ सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बल्कि यहीं पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, जिसके कारण हमारा जो जीव जगत है उसको प्राणदायक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और यही वो जगह है जहाँ पे रिड्यूसिंग पावर का निर्माण होता है। रिड्यूसिंग पावर जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगी, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स दे आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, तो कोई रिड्यूसिंग पावर चाहिए। इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस वी नो इट इज NADPH, सो दिस NADPH2 इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द वेरियस रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन दिस फ्रेट मेम्ब्रेन्स। तो इस प्रकार से हमारे विभिन्न फोटो सिस्टम्स दे आर प्रेजेंट, जो लाइट रिएक्शन के डिफरेंट रिएक्शन सेंटर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द ग्रैना मेम्ब्रेन्स, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स, एज वेल एज इन द इंटरग्रैनल लैमेली। अंतर ये है कि ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं पाया जाता है, इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 पाया जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में, जहां पे एक तरफ जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें हमारे फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट दैट इज प्रिपरेटरी फेज द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, दूसरी तरफ इसका जो स्ट्रोमा वाला भाग है उसमें कैल्विन साइकिल, यानी वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो संपन्न होती है। तो जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन सिस्टम है इट एब्जॉर्ब्स लाइट, इट गेट्स वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि इस पानी से ऑक्सीजन प्राप्त होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इस लाइट का
फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। दिस लाइट इज यूज फॉर एडिंग अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल टू एडीपी मॉलिक्यूल। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और इस प्रक्रिया में जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस रिड्यूसिंग पावर द एनएडीपीएच। और अब इस रिड्यूसिंग पावर एनएडीपीएच और इस एटीपी का उपयोग होगा केल्विन साइकिल में, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाएगी। तो इस क्रोमा में विभिन्न एंजाइम्स पाए जाते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस केल्विन साइकिल रिएक्शंस। अभी जैसे हम बात कर रहे थे जो मेम्ब्रेन्स हैं, हियर इज द लिपिड बायलेयर, और इसमें ये विभिन्न इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं। तो किसी भी क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंश हैं ये विभिन्न कॉम्प्लेक्सेस, और ये कॉम्प्लेक्सेस दे फॉर्म द फोटोसिस्टम्स, दैट इज आपका फोटोसिस्टम टू एंड द फोटोसिस्टम वन। ये किस क्रम में इनकी खोज हुई उसके हिसाब से इनको कहा गया है फोटोसिस्टम और फोटोसिस्टम टू। इसके अतिरिक्त इसमें एटीपीएज कॉम्प्लेक्स भी है जो फॉस्फोराइलेट करता है एडीपी को, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो इस प्रकार से थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का द फ्रेट मेम्ब्रेन के इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं विच फॉर्म द साइट। अब जब हम फोटोसिंथेसिस में बात करते हैं व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो इट इज द फ्रेट मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड्स, जहाँ पे आपका जो प्रकाश संश्लेषण का लाइट रिएक्शन है वो होता है। और केल्विन चक्र स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में एक जो और कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है इसका अपने क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल का, वो है इसमें उपस्थित डीएनए मॉलिक्यूल। क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें विभिन्न, इट इज अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और इसकी कई प्रतियां पाई जाती हैं क्लोरोप्लास्ट में। इसमें विभिन्न आरएनएज बनाने के, राइबोसोमल आरएनए बनाने वाले जीन्स उपस्थित हैं। इसमें प्रयुक्त सभी प्रकार के ट्रांसफर आरएनए वाले जितने इसके जीन्स हैं वो भी इसी में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाने वाली कुछ सब यूनिट्स भी उपस्थित होती हैं। जो एक बेसिक एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को वास्तव में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन दिस अर्थ दैट इज रूबिस्को, उसका भी एक लार्जर पार्ट, द लार्जर सब यूनिट, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट सब यूनिट्स आते हैं, तो उसमें से जो लार्ज सब यूनिट है इस प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल के, उसको कोडित करने वाले जीन्स भी हमारे क्लोरोप्लास्ट के जीनोम में ही उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है उसमें बहुत से ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं विच कोड फॉर अ मेजर सेक्शन ऑफ द प्रोटीन्स एंड कॉम्प्लेक्सेस दैट आर रिक्वायर्ड बाय दिस ऑर्गेनेल। द रेस्ट ऑफ देम दे आर प्रोवाइडेड इन बाय द न्यूक्लियर जीनोम, और जो
इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर्स हैं, उसकी सहायता से या उनके माध्यम से दे आर कैरीड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिल। तो इस प्रकार से यह जो हमारा कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट, यह सेमी ऑटोनॉमस है और यह उन तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में से है जो किसी प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं पर जंतु कोशिका में नहीं। पहली सेल वॉल, दूसरा प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट और तीसरा प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। थैंक यू।